गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओके एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज वर्क। तो हम सब डे टू डे लाइफ में बहुत सारा वर्क करते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हर वर्क को वर्क किया हुआ नहीं माना जाता। अच्छा, वर्क के साथ कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ वर्क के साथ कौन कौन से टर्म रिलेटेड है। जैसे एनर्जी है, पावर है, ये क्या है, वर्क से रिलेटेड टर्म है। अब वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है हमें, फूड से मिलती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, सन है। सन इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी वर्क करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम अपनी बॉडीज में देखें तो वेरियस फिजिकल लाइफ प्रोसेस होते रहते हैं, वेरियस फिजिकली ओनली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होती रहती है। जैसे मैं कह सकती हूँ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी वर्क से रिलेटेड है। अब मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स बाहर क्या है, रनिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है, रनिंग कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ओनली बुक की रीडिंग कर रहे हैं, क्या है, बुक रीडिंग कर रहे हैं, ये रनिंग कर रहे हैं। एक कूली ने अपने सर के ऊपर वजन उठाए हुए खड़ा है, एक कूली, वो कहीं पे नहीं गया, सिर्फ अपने अपने हेड के ऊपर उसने वजन उठा रखा है, वो खड़ा है। अब आप देखो, बुक रीड कर रहे हो, आप कहीं हिल डुल ले रहे हो, लेकिन टायर्डनेस होती है, हम थकते हैं, हमारे अंदर एनर्जी यूज हो रही है, इसका मतलब। अब चेक करें, हम कोई फिजिकल वर्क करें या फिजिकल या मेंटल लेबर कर रहे हैं, या तो फिजिकल को लेबर कर रहे हैं या मेंटली को लेबर कर रहे हैं, सब में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन किसे माना जाता है, वर्क डन किसे माना जाता है, कोई ना कोई चीज या तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका, अगर जब तक डिसप्लेसमेंट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगी, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के क्या ऊपर लगाई हमने फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है ए पॉइंट पर। अब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से बी पॉइंट पर अगर ये चल जाता है, तो अपनी पोजीशन से ये जगह पे अपनी पोजीशन अगर ये चेंज करेगा, मतलब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट होगा, तो वहीं पे वर्क डन माना जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट डिसप्लेस नहीं हुआ अपनी पोजीशन पे, मान लो ये चीज है मेरे पास, ये पेन है, ये पेन यहां पे रखा हुआ था, इस पेन को मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये अपने यहां से हिला नहीं, तो यहां पे वर्क डन जीरो माना जाता है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ये यहां तक पहुंच गया, ये ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद, अब क्या हुआ, इसमें वर्क डन हुआ, क्योंकि इसकी पहले पोजीशन यहां थी, बाद में इसकी पोजीशन कहां पे आ गई, यहां पे आ गई, तो इसका मतलब इसमें वर्क डन है। तो मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, वर्क डन हम कहां कह सकते हैं, वर्क डन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे फोर्स, कोई ना कोई फोर्स लगाए और उस ऑब्जेक्ट में क्या हो, डिसप्लेसमेंट हो, तब हम उसको वर्क को क्या कहेंगे, दैट इज वर्क इज डन। अगर वो डिसप्लेसमेंट नहीं हुआ तो उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन जीरो है। आप चाहे उसके ऊपर कितने भी 10 न्यूटन 100 न्यूटन कितनी भी आप उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो कितने भी न्यूटन आप फोर्स लगाओ, वहां पे अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिसप्लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पे वर्क डन जीरो है। डिसप्लेसमेंट बता देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये अपनी जगह से यहां चला और जहां जहां पर चाहे वो कितने भी उसने चक्कर काटे हो, ठीक है, तो जितना उसने पाथ, एक्चुअली हम जितना चलते हैं एक दिन में, कितने भी जगह पे, कितना ही भी एक जगह पे हमने जो चार चक्कर काट लिए हो, एक्चुअल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, एक्चुअल जो पाथ हमने कवर किया है, उसको तो हम बोलते हैं डिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर। लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट यहां से गया और जाने के बाद इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो पहले उसकी पोजीशन ये थी, बाद में उसकी पोजीशन क्या रही, ये पोजीशन आ गई, यहां पे पहुंच गया, वो पॉइंट ये था डी। मान लो ये दिल्ली लगा लो और यहां से दिल्ली का ही कोई सिटी है वहां पे पहुंचा हुआ ये, ठीक है। तो लेकिन ये जो कहां से ये कवर होके गया, कितना इसने कहां कहां पे डिस्टेंस को कवर किया, वो कोई चीज नहीं मानी जाएगा। माना क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कि पहले उसकी पोजीशन ये थी, बाद में उसकी पोजीशन यहां पे आ गई। तो ये डिस्टेंस जो बीच में होगा ना, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये पर्सन यहां से घूमता हुआ वापिस अगर यहीं पे आ जाता है ना सेम पोजिशन पे, तो वहां पे स्टूडेंट्स हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि मैं अगर देखो आपके सामने यहां से चली, दो कदम चल के वापिस मैं अपनी सेम पोजिशन पे पहुंच गई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। लेकिन मैं यहां से चली हूं और यहां से बाद मैं यहां पे पहुंच गई, तो ये मेरा जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन थी, पहले वहां थी और बाद में यहां पहुंच गई, तो इस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, समझ आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाई और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए ये बाउंडर है, ओके बाउंडर, तो बाउंडर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे जो ये फोर्स है, मान लीजिए फोर्स लगी है 5 न्यूटन और ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हुआ है अपनी पोजीशन से, मान लीजिए वो 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो फोर्स वर्क डन कितना हो गया? तो वर्क डन हो गया 5 × 10। तो 10 क्या बेटा? ये न्यूटन है, ये क्या है? मीटर। तो हम यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर। एक इसकी और भी यूनिट है, आप इसको 10 जूल भी लिख सकते हो। 10 जूल को हम 10J, जूल को हम डिनोट करते हैं जे से, सो 10 जूल को आप 10J। इज इट विजिबल? 10 जूल, ओके। सो इट इज क्लियर ना एवरीवन? सभी को क्लियर होगा? अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर की जगह पे अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिला ही नहीं, तो उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? जीरो। तो 5 न्यूटन फोर्स आपने लगा दी लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां पे वर्क डन भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 जूल, इतना वर्क डन 0। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वहां पे वर्क डन क्या आएगा उसका? 0। अगर वो वर्क डन, अच्छा वर्क डन जब हम कर रहे हैं किसी भी चीज, कोई भी कहीं पे भी हमने वर्क अप्लाई किया, तो वर्क किन 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है? व्हाट आर द 2 कंडीशंस? तो कौन सी 2 कंडीशन है जिसपे वर्क डन डिपेंड करता है? तो सबसे पहले वो 2 कंडीशन क्या है? वर्क डन के ये कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द 2 कंडीशंस? सो नंबर 1 क्या है? ए फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए फोर्स, ये बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में, मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 147 क्या है? पेज नंबर 147, इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है उससे ऊपर से ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो। सो 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर द वर्क टू बी डन, वर्क डन के लिए जो कंडीशन जो नेसेसरी है वो कौन कौन सी है? यहाँ पे देखो, ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक कंडीशन। नाउ दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है द ऑब्जेक्ट शुड डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन, सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड,
ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अरुण समझ में आ गया? डिस्प्लेस्ड आया अरुण? हाँ। सो टू कंडीशंस कौन कौन सी है? ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मेरी फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तभी इसमें वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन नहीं होता। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना जरूरी है, अगर फोर्स ही नहीं लगाया तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस का तो चांस ही नहीं है। फिर हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी, यही न्यूटन कहते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाओगे जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि जो फोर्स लग रही है वो एक पर्सन की लगे, एयर की भी इसके ऊपर फोर्स लग सकती है, वाटर की भी इसके ऊपर फोर्स लग सकती है, फोर्स किसी भी चीज की हो सकती है। सो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है? फोर्स लगनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे मैं फोर्स लगाऊंगी, तो फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। तो दूसरी कंडीशन क्या है? ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड, दूसरी जगह पे जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी जाए, थोड़ा सा भी खिसके बट थोड़ा सा भी होना चाहिए डिस्प्लेस्ड, तभी उसमें वर्क डन होगा। तो ये टू कंडीशन समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या कंडीशन है इसकी? नेक्स्ट है, अब वर्क डन क्या नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हम कह सकते हो स्टूडेंट्स? वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे ये बॉक्स लिया, या ये कह सकते हो ये गाड़ी है, ओके कोई भी ये गाड़ी है, इसको चला रहे हैं। अब ये इस साइड में डिस्प्लेस हो रही है, किस साइड में? इस साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मूव, और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, कोई पर्सन इस पे फोर्स इस तरफ, कोई गाड़ी उस साइड जा रही है और उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, लेकिन गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा वर्क डन जो उसमें होगा वो वर्क डन क्या माना जाएगा? नेगेटिव। दैट टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड नेगेटिव। नेगेटिव समझ आ गया? मतलब कोई भी चीज, सपोज ये चीज इस साइड जा रही है और हमने उसको अपनी तरफ खींच रहा है, फिर भी वो चीज इसी साइड जा रही है, तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और यहां पे देखो इस पे फोर्स भी 2% लगा रहे हो या 1% लगा रहे हो या 3% लगा रहे हो, कितने भी परसेंट इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में ये गाड़ी जा रही है और इसी डायरेक्शन में इसको पीछे से भी फोर्स लगी, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लगी? फोर्स। तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो दिस टाइप ऑफ वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब फोर्स और दूसरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव समझ आ गया ना, ऐसे लिखा हुआ भी, तो इस तरह से ये वर्क डन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहां पे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो आप फोर्स को माइनस एस लिख सकते हो, ठीक है, चाहे आप फोर्स की जगह पे इसको नेगेटिव लिख सकते हो, इन दोनों में से अगर ऑपोजिट हो, भाई मैं मेरी फोर्स को पॉजिटिव मान रही हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिख सकते हैं, या ठीक है डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होना था हो रहा है, मैं फोर्स को इस साइड खींच रही हूं उसके ऑपोजिट में, तो यहां पे फोर्स को नेगेटिव, तो किसी भी चीज को आप नेगेटिव कह सकते हो अगर दोनों ऑपोजिट में हो, तो वहां पे वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। और सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं दोनों, एक ही दिशा में हो रहे हैं, तो वहां पे होगा पॉजिटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगर मैं इसी में वर्क डन के टॉपिक में आपसे पूछती हूँ, वर्क डन की यूनिट मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, वर्क डन को किससे हम डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? जूल।
ओके, दूसरा मैंने क्या बताया था, न्यूटन मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे आपसे बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफाइन वन जूल, क्या डिफाइन करना है वन जूल। तो आप सीधा सा इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद वन जूल डिफाइन करना है तो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का मेजर डिस्टेंस ही होता है तो मेजर करते हैं डिस्टेंस मीटर में। तो यहां पे देखो फ्रेंड्स, अब वन जूल डिफाइन करना है तो हम फोर्स भी क्या लेंगे वन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेंगे वन मीटर। तो यहां पे वन जूल डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, व्हेन वन न्यूटन फोर्स, क्या बता रही मैंने, व्हेन वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वन मीटर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ वन मीटर, देन वी कैन से वर्क डन इज वन जूल। व्हाट वी विल से, वर्क डन इज वन जूल। दोबारा देखो डेफिनेशन आती है लेकिन डेफिनेशन को आप पहले ये लिख के फिर इसे इजीली करो। जब एक न्यूटन फोर्स होगी किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई और वो ऑब्जेक्ट वन मीटर डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, तो हम उस पर कहेंगे कि उसने एक ऑब्जेक्ट पे एक जूल वर्क डन हुआ है। मीन्स व्हेन वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस वन मीटर, देन वी कैन से वन जूल ऑफ वर्क इज डन। नाउ इट इज क्लियर, सभी को ये डेफिनेशन आ गई वन जूल। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखते हैं दैट इज एनर्जी वाला टॉपिक करते हैं क्योंकि हमने वर्क के बारे में क्लियर पढ़ लिया। अच्छा, जब भी हम वर्क कर किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने इसको इस चौक को पुश किया, चौक को, तो मैंने अपनी एनर्जी को क्या किया लूज, और इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया एनर्जी गेन, तभी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा या उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन माना जाएगा। तो देने वाला जो काम कर रहा है, तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही हूं तो मैं एनर्जी इसमें क्या करूंगी, अपनी एनर्जी को लूज करूंगी, तो वो लूज कर रही है तो वो एनर्जी ये क्या करेगा जिस ऑब्जेक्ट पे लगाई। तो मान लीजिए ये आपके पास ये बुक है, ठीक है, इस बुक पे मैंने एनर्जी लगा रही हूं अपनी, तो मेरी एनर्जी लूज होगी और ये एनर्जी क्या करेगा गेन। समझ आ गया, तो जो ऑब्जेक्ट एनर्जी, जो चीज कोई वर्क डन कर रहा है वो एनर्जी हमेशा क्या करेगा लूज। तो एनर्जी कौन लगाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी लगा रहा है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी उसके अंदर है तभी वो एनर्जी लगा सकता है, नहीं तो नहीं। तो कल अपनी वीडियो में बेटा ये चैप्टर देखेंगे हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का दैट इज एनर्जी। लेकिन आज का क्वेश्चन सुनो, मैंने क्वेश्चन से आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन क्या होगा अगर वहां पे फोर्स है, फोर्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ दैट इज 100 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है और फोर्स उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स 100 न्यूटन लगा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, यू हैव टू टेल योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।